हेलो स्टूडेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स और उनके कंपाउंड्स के बारे में ये चैप्टर तुम लोगों का चल रहा है, जिसमें कि अब तक ग्रुप 15 ग्रुप 16 की कंप्लीट स्टडी हो चुकी है। पिछले क्लास में हमने ग्रुप 17 स्टार्ट किया था, जो कि हैलोजन फैमिली से रिलेटेड है। तो हैलोजन फैमिली यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, इन सब की जो प्रॉपर्टीज़ होती है जनरल, वो सारी चीज़ें पिछले क्लास में हमने डिस्कस की थी। आज इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट मेंबर है क्लोरीन, उसकी प्रॉपर प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी और यूज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जस्ट वेट 2 मिनट। तो आज का टॉपिक है पी ब्लॉक एलिमेंट्स प्रॉपर्टीज, यूजेस, केमिकल प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ क्लोरीन। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं कि सारे डॉक्यूमेंट्स अभी डाउनलोड हुए हैं कि नहीं, अभी ऐसा लग रहा है कि नहीं हुए हैं। बीच में डिस्टरबेंस हो, इससे अच्छा है कि शुरुआत में ही जो प्रॉब्लम है उसको ठीक कर लिया जाए। नेट कनेक्शन हम चेंज करते हैं, शायद उससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। Yes. दोबारा से हम शेयर करते हैं इसको। नाउ क्लोरीन। क्लोरीन वॉज डिस्कवर्ड बाई शीले इन 1774 बाई द एक्शन ऑफ HCl ऑन मैगनीज डाई ऑक्साइड। बट हॉलेट नेम दिस वॉज ऑक्सीम्यूरेटिक एंड गैस, सिंस ही थॉट इट टू बी एन ऑक्साइड ऑफ म्यूरेटिक एसिड, दैट इज ओल्ड नाम ऑफ HCl। इन 1810 डेवी एस्टैब्लिश एलिमेंट्री नेचर एंड नेम इट क्लोरीन ऑन अकाउंट ऑफ इट्स ग्रीनिश येलो कलर।
now occurrence of chlorine. Chlorine is widely distributed in nature in the combined state in the form of chlorides of various metals. Common salt is the most important chloride, which occurs in seawater, lakes, and in rocks. The other important chlorides minerals are selvine, that is potassium chloride, KCl, carnelite, molecular formula KCl, MgCl 2.6 H2O, chlorapatite, molecular formula 3Ca3PO4 fold twice CaCl2, and horn silver, that is Ag. Now preparation of chlorine by the oxidation of hydrochloric acid. The oxidizing agent which can be used are manganese dioxide, lead oxide, red lead, that is Pb3O4, potassium permanganate, potassium dichromate, sodium hypochlorite, and ozone, etc. First method, मैग्नीज डाइऑक्साइड और HCl का रिएक्शन कराने पे हमें क्लोरीन मिलती है. दो स्टेप रिएक्शन, मैग्नीज डाइऑक्साइड HCl से रिएक्शन करके नेसेंट ऑक्सीजन देता है, फिर ये ऑक्सीजन HCl से रिएक्शन करके क्लोरीन प्रोड्यूस करती है. इसका ओवरऑल रिएक्शन के सामने दिया हुआ है. दूसरा लेड ऑक्साइड यानी रेड लेड का HCl से रिएक्शन होता है तो क्लोरीन प्रोड्यूस होती है और साथ में लेड क्लोराइड प्रोडक्ट बनता है. स्टेप, दो स्टेप का रिएक्शन है, बल्कि तीन स्टेप का. लेड ऑक्साइड का रिएक्शन पहले HCl से होता है, क्लोरीन बनी, और अगर रेड लेड से रिएक्शन हो रहा है तो 6HCl इससे मॉली, ये तो बैलेंस रिएक्शन है. लेड ऑक्स जो तुम्हारा रेड लेड प्लस HCl रिएक्शन होता है तो ये नेसेंट ऑक्सीजन देता है, जो HCl से रिएक्शन करके क्लोरीन देता है. तो ये रिएक्शन अलग है, लेड ऑक्साइड और HCl के रिएक्शन से क्लोरीन बन रही है, और इधर रेड लेड प्लस HCl के रिएक्शन से क्लोरीन का प्रोडक्शन होता है. फिर पोटेशियम परमैंगनेट HCl से रिएक्शन होता है इसका, तो KCl, MnCl, H2O और साथ में क्लोरीन बनती है. टू स्टेप रिएक्शन, पहले पोटेशियम परमैंगनेट HCl से रिएक्शन करके नेसेंट ऑक्सीजन देता है, ये नेसेंट ऑक्सीजन HCl से रिएक्शन करके क्लोरीन बनाता है. ओके, उसके बाद है पोटेशियम डाइक्रोमेट का रिएक्शन HCl से होता है, तो KCl, क्रोमिल क्लोराइड, H2O और साथ में क्लोरीन बनता है. दो स्टेप रिएक्शन है, पोटेशियम डाइक्रोमेट HCl से रिएक्शन करके ये सारे प्रोडक्ट बनाता है और नेसेंट ऑक्सीजन देता है, जो HCl से रिएक्शन करती है और क्लोरीन का प्रोडक्शन होता है. इसी तरह सोडियम हाइपोक्लोराइड, इन सारे नाम गिनाए थे, किस तरह से हाइपोक्लोराइड का रिएक्शन HCl से होता है तो NaCl बनता है और क्लोरीन बनती है साथ में वाटर. टू स्टेप रिएक्शन, सोडियम हाइपोक्लोराइड NaCl और ऑक्सीजन देता है, नेसेंट ऑक्सीजन HCl से रिएक्शन करके क्लोरीन बनाती है. इसी तरह ओजोन का रिएक्शन HCl से होता है, ये दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है. O3 का रिएक्शन HCl से होता है तो O2 प्लस H2O और Cl2 का प्रोडक्शन होता है. नाउ बाय द एक्शन ऑफ मिनरल एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड ऑन ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर का सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन होता है तो कैल्शियम सल्फेट और क्लोरीन बनता है. वाटर, ब्लीचिंग पाउडर HCl से रिएक्शन करके भी इसी तरह कैल्शियम क्लोराइड, वाटर और क्लोरीन बनाता है. ब्लीचिंग पाउडर कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट और Cl2 गैस प्रोड्यूस होती है. थर्ड मेथड, बाय हीटिंग एनी क्लोराइड विथ कंसंट्रेटेड H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड. NaCl यानी कॉमन साल्ट का रिएक्शन मैग्नीज डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में सल्फ्यूरिक एसिड से होता है, तो ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट H2O के साथ क्लोरीन बनती है. थ्री स्टेप में रिएक्शन है, MnO2 H2SO4 से रिएक्शन करके नेसेंट ऑक्सीजन देता है, और NaCl का H2SO4 से रिएक्शन होता है NaHSO4,
बना लेता है। अब इस HCl का रिएक्शन नेसेंट ऑक्सीजन से होता है और क्लोरीन बनती है। नाउ लेबोरेटरी प्रिपरेशन, द फॉलोइंग मेथड्स आर यूज्ड इन द लेबोरेटरी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन बाय द एक्शन ऑफ HCl और MnO2 रिएक्शन। अभी पढ़ा, द कॉमन मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग क्लोरीन इन द लेबोरेटरी इज बाय हीटिंग कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद मैंगनीज डाइऑक्साइड इन ए राउंड बॉटम फ्लास्क फिटेड विद ए थिस्टिल फनल एंड ए डिलीवरी ट्यूब। इस तरह से पहले रिएक्शन इसका देख लो, पहले भी देख चुके हो, मैं मैंगनीज डाइऑक्साइड HCl से रिएक्शन करके MnCl2 Cl2 और H2O बनाता है। एपरेटस इसका इस तरह से है, फ्लास्क में हम लेते हैं कंसंट्रेट HCl और MnO2, HCl इस तरह से यहाँ से डाला जाता है और उसके बाद इस जो क्लोरीन गैस बनती है वो पहले वाटर में, उसके बाद H2SO4 में जाती हुई फिर लास्ट में यहाँ एक्सेप्टर में आ जाती है। तो ये डायग्राम है लेबोरेटरी में क्लोरीन गैस बनाने का। द क्लोरीन इज फाइनली कलेक्टेड इन ए जार बाई अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एयर। नाउ बाय द एक्शन ऑफ HCl ऑन KMnO4, तो यहाँ पे हम KMnO4 ले सकते हैं H2SO4 की HCl की जगह, MnO2 की जगह। तो MnO2 का रिएक्शन HCl से होता है तो KCl MnO2 8H2O और 3Cl2 बनता है। दिस इज ए कन्वीनियंट मेथड टू प्रिपेयर क्लोरीन इन द लेबोरेटरी। इट कंसिस्ट ऑफ द एडिशन ऑफ कोल्ड कंसंट्रेटेड एसिड और पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल। एपरेटस इसका इस तरह से होता है कि वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड से क्लोरीन यहाँ पे कलेक्ट होते हैं, यहाँ पे KMnO4 है, कंसंट्रेट HCl इसमें हम डालते हैं, दोनों के रिएक्शन से हमें क्लोरीन मिलती है। नाउ प्योर क्लोरीन, इट मे बी ऑब्टेन बाय हीटिंग ड्राई प्लेटिनिक क्लोराइड और गोल्ड क्लोराइड इन ए हार्ड ग्लास। प्लेटिनम क्लोराइड 647 तक हीट करने पे ये प्लेटिनम डाइक्लोराइड, ये प्लेटिनम टेट्राक्लोराइड है, Cl2 में बदलता है और ज़्यादा हीट करने पे प्लेटिनम अलग हो जाता है और टोटल क्लोरीन गैस हमें मिलती है। इसी तरह ऑरिल क्लोराइड 448 केल्विन तक गर्म करते हैं तो ऑरिल क्लोराइड, ये ट्राई क्लोराइड है, फिर ये ऑरिल क्लोराइड बनता है और Cl2, और हीट करने पे ये और जो गोल्ड है अलग हो जाता है और क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होती है। नाउ द मैन्युफैक्चर, बल्क ऑफ क्लोरीन रिक्वायर्ड फॉर कमर्शियल पर्पज इज ऑब्टेन्ड एज ए बाई प्रोडक्ट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कास्टिक सोडा यानी NaOH बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन और इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज सोडियम क्लोराइड बाय डाउन प्रोसेस। द अदर मेथड यूज फॉर इट्स मैन्युफैक्चर आज वेल्डन प्रोसेस, डिकैन प्रोसेस, नाइट्रोसिल क्लोराइड प्रोसेस एक्सेट्रा। दीज केमिकल मेथड्स आर बिट कास्टियर एंड ओनली द नाइट्रोसिल क्लोराइड प्रोसेस इज यूज दीज डेज टू मैन्युफैक्चर क्लोरीन। फर्स्ट है वेल्डन प्रोसेस। This process involves the heating of pyrolusite mineral MnO2, जिसका की केमिकल फार्मूला है, which with concentrated hydrochloric acid in stoneware stills, manganese dioxide plus HCl का रिएक्शन होता है तो Cl2, MnCl2, H2O and Cl2 बनता है। The manganese क्लोराइड प्रेजेंट इन द वेस्ट लिक्वर इज कन्वर्टेड इन टू ए प्रोडक्ट विच कैन बी यूज इंस्टेड ऑफ फ्रेश पायरोलिसिट फॉर ऑक्सीडाइजिंग मोर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। द मैग्नीज क्लोराइड सोल्यूशन इज मिक्स विद एक्सेस ऑफ लाइम एंड एयर, इट ग्रोन इन द हीटेड मिक्सचर द फॉलोइंग चेंजेस ऑफर्स। द रिएक्शन इज दैट
मैग्नीज क्लोराइड को मिक्स करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ये मैग्नीज हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम क्लोराइड बनाता है। अब ये मैग्नीज हाइड्रोक्साइड एयर से रिएक्शन करके या कि ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मैग्नीज डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है, और ये मैग्नीज डाइऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड से रिएक्शन करके कैल्शियम मैग्नाइट और बनाता है। नाउ कैल्शियम मैग्नाइट सेटल डाउन टू द बॉटम एज डार्क कलर मड, दिस इज यूज फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ फ्रेश क्वांटिटीज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तरह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन होता है इसका। तो कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीज क्लोराइड और क्लोरीन का प्रोडक्शन होता है। दूसरा प्रोसेस है डिकॉन प्रोसेस। दिस प्रोसेस इज सुपीरियर टू वेल्डन प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस क्लोरीन इज ऑब्टेन्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ HCl विद एयर इन प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रिक क्लोराइड हीटेड टू 723 केल्विन। 4HCl रिएक्शन इसका, O2 रिएक्शन होता है एयर से क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रिक क्लोराइड की प्रेजेंस में 723 केल्विन पे तो क्लोरीन और वाटर बनता है। द कैटालिटिक एक्शन ऑफ क्यूप्रिक क्लोराइड कैन बी एक्सप्लेन विद द फॉलोइंग मैकेनिज्म। ओवरऑल मैकेनिज्म, क्यूप्रिक क्लोराइड हाई टेम्परेचर पे क्यूप्रस क्लोराइड में कन्वर्ट होती है और क्लोरीन देती है। अब ये क्यूप्रस क्लोराइड एयर की ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कॉपर ऑक्सीक्लोराइड बनाता है Cu2OCl2। ये कॉपर ऑक्सी क्लोराइड HCl से रिएक्शन करके देता है क्यूप्रिक क्लोराइड और H2O। फिर यही क्यूप्रिक क्लोराइड यहाँ पे कैटलिस्ट का काम करता है। द साइकिल इज देन रिपीटेड, द कैसियस प्रोडक्ट बीइंग स्टीम। तो ये पूरे प्रोसेस का डायग्राम है। इस तरह से होता है, या कैटलिस्ट प्यूमाइस स्टोन प्लस Cu2Cl2 है यहाँ पे इस चैम्बर में। यहाँ से HCl गैस एंड एयर का मिक्सचर यहाँ पे भेजा जाता है इधर से भी, और हॉट गैसेस भी भेजी जाती है इसको हीट करने के लिए। फिर ये कूलिंग चैम्बर होता है यहाँ पे, यहाँ से ये इनको कूल किया जाता है। फिर ये जो गैस बनती है ये कहाँ जाती है, स्क्रबर में, जहाँ की ऊपर से वाटर गिराया जा रहा होता है। बीच में ये क्वार्ट्स के पीस होते हैं यहाँ पे। फिर ये ड्राइंग टावर में जाती है गैस। गैस ड्राइंग टावर में जाने के बाद यहाँ पे ड्राइंग टावर में कंसंट्रेट H2SO4 गिरता रहता है क्वार्ट्स पे, जिससे कि ये जो मॉइस्चर होता है उसको सबको अलग कर देता है क्लोरीन से, और प्योर क्लोरीन यहाँ पे एयर के साथ हमें मिलती है जिसे कलेक्ट कर लिया जाता है। तो ये पूरा डायग्राम है, इसे तुम्हें ड्रॉ करना है। तीसरा और बेस्ट मेथड है नाइट्रोसिल क्लोराइड प्रोसेस, जो आजकल यूज किया जाता है। इस मेथड से क्लोरीन का प्रोडक्शन होता है। इन दिस प्रोसेस कॉमन साल्ट इज ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड व्हेन अ मिक्सचर ऑफ क्लोरीन एंड नाइट्रोसिल क्लोराइड इज इवॉल्व। तो NaCl का रिएक्शन HNO3 से 3NaCl प्लस 4HNO3, तो सोडियम नाइट्राइड प्लस NOCl प्लस Cl2 बनता है और H2O। टू स्टेप मैकेनिज्म है, NaCl HNO3 से रिएक्शन करके NaNO3 और HCl बनाता है। फिर ये HCl HNO3 से रिएक्शन करके क्लोरीन, पूरा रिएक्शन होता है और क्लोरीन बनती है। द कैसियस मिक्सचर इज ऑक्सीडाइज विद ऑक्सीजन, 2NaOCl ऑक्सीजन से रिएक्शन करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और क्लोरीन बनाता है। द गैसेस आर लिक्विफाइड एंड क्लोरीन डिस्टिल्ड आउट। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज एब्सॉर्ब्ड इन वाटर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म नाइट्रिक एसिड विच कैन बी यूज्ड अगेन। 2NO2 प्लस O2 प्लस रिएक्शन है इसका, और HNO3 हमें फिर से मिल जाती है जिसका हम यूज यहाँ पे फिर से कर सकते हैं। नाउ स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन इज स्टोर्ड एंड ट्रांसपोर्टेड इन द लिक्विड स्टेट। द लिक्विड इज स्टोर्ड इन लार्ज स्टील टैंक्स विच आर केप्ट इन हीट इंसुलेटेड कोल्ड स्टोरेज रूम।
Now come on properties of chlorine. First we see physical property. Chlorine is a yellowish green gas with a pungent suffocating smell. जब उसका लैब में टेस्ट करोगे क्लोरीन का तो बताया जाता है बहुत तीखी गंध आ रही है, यानी पंजेंट सोफोकेटिंग स्मेल होती है कि हमें कुल्हड़ होती है उसको सूंघ के। सेकेंड प्रॉपर्टी, इट इज हैवियर देन एयर एंड ऑक्सीजन। इट इज 2.5 टाइम्स हैवियर देन एयर। इट इज पॉइजनस इन नेचर। इट प्रोड्यूसेस हेडेक इफ इनहेल्ड इन स्मॉल क्वांटिटी। It affect throat, nose, lungs, large quantity through fetal. It can be easily liquefied by cooling under pressure. The liquid chlorine is a yellow liquid, boiling point 238.4 Kelvin. It is fairly soluble in water. The aqueous solution is called chlorine water. It has yellow color and smell of chlorine. At 273 Kelvin, crystals of chlorine hydrate, that is Cl2.8H2O, are formed. Now the chemical properties of chlorine. First is combustibility. Chlorine does not burn and also does not help in burning. Second, combination with elements is combined with all the non-metals except nitrogen, oxygen, carbon and inert gases. It combines with hydrogen in light but not in dark with an explosion to form HCl. However, in presence of charcoal as a catalyst, the reaction is safe. H2Cl2 का रिएक्शन चारकोल के प्रेजेंस में ट्राई जाता है तो सेफ होता है और 2HCl बनता है, लेकिन अगर सीधे इसका हम रिएक्शन हाइड्रोजन से करा दें तो एक्सप्लोजन होता है। आर्सेनिक, बोरान, सल्फर, फास्फोरस एक्सेट्रा कंबाइन विथ क्लोरीन व्हेन हीटेड। आर्सेनिक कंबाइंड टू फॉर्म आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड, बोरान कंबाइंड टू फॉर्म बोरान ट्राइक्लोराइड, सल्फर combined to form sulfur, disulfur dichloride H2Cl2, phosphorus combined to form phosphorus trichloride. Yellow phosphorus readily catches fire in chlorine. Most of the metal directly react with chlorine to form corresponding chlorides. Alkali metals burn brilliantly in chlorine. Iron, copper, aluminium, magnesium, zinc, etc. when heated in chlorine form corresponding chlorides. A trace of moisture always catalyzes the reaction. Sodium का reaction होता है तो ये chlorine के साथ NaCl बनाता है। Aluminium का reaction तो aluminium chloride, या इसको formula इस तरह भी लिखते हैं। Iron का reaction chlorine से होता है तो ferric chloride बनता है, और कॉपर का रिएक्शन क्लोरीन से होता है तो क्यूप्रिक क्लोराइड बनता है। इसी तरह मैग्नीशियम रिएक्ट करता है क्लोरीन से, बनाता है मैग्नीशियम क्लोराइड। क्लोरीन का रिएक्शन जिंक से होता है तो जिंक क्लोराइड बनता है। सारे रिएक्शन हो गए। नाउ एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन। क्लोरीन हैज ग्रेट एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन। It decomposes several hydrogen compounds forming HCl. First, a turpentine burns in chlorine forming HCl and carbon. Turpentine plus chlorine, carbon or HCl बनता है. Chlorine reacts with water in presence of sunlight and forms O2. This is the important reaction, H2O. और Cl2 का रिएक्शन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में 4HCl और O2 बनता है। क्लोरीन वाटर लूज इट्स येलो कलर ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट, इट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ HCl। इट रिएक्ट्स विद अमोनिया अंडर टू कंडीशन। व्हेन अमोनिया इन एक्सेस द प्रोडक्ट्स आर नाइट्रोजन एंड अमोनियम क्लोराइड। अमोनिया एक्सेस में होगा और ये इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन एग्जामिनेशन के लिए।
अमोनिया जब मिक्सेज में होगा और जब क्लोरीन मिक्सेज में होगी दोनों तरह से आता है। अमोनिया एक्सेस में होगी तो क्लोरीन से रिएक्शन करके नाइट्रोजन गैस और अमोनियम क्लोराइड फॉर्म करेगी। व्हेन क्लोरीन इज इन एक्सेस देन इट फॉर्म्स NCl3 नाइट्रोजन ट्राई क्लोराइड NH3। क्लोरीन या एक्सेस में है तो नाइट्रोजन ट्राई क्लोराइड और HCl। नाउ इट रिमूव्स हाइड्रोजन फ्रॉम H2S। अगला रिएक्शन ये भी इंपॉर्टेंट है, H2H प्लस Cl2 टू एच सी एल यानी हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा H2H से। अगली प्रॉपर्टी ऑक्सीडाइजिंग एंड ब्लीचिंग नेचर। इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर क्लोरीन एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एंड ब्लीचिंग एजेंट। क्लोरीन रिएक्ट्स विद वाटर फॉर्मिंग HCl एंड हाइपोक्लोरस एसिड। Hypochlorous acid is not so stable and decomposes giving nascent oxygen which is responsible for oxidizing and bleaching properties of chlorine. Cl2 plus H2O HCl और nascent oxygen देता है। ये overall reaction इस तरह से है, क्लोरीन मॉइस्चर के वाटर से रिएक्शन करके HCl और HClO बनाता है। HClO यानी हाइपोक्लोरस एसिड ब्रेक होकर के HCl और नेसेंट ऑक्सीजन देता है। ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है कलर उड़ाने के लिए। इससे ब्लीचिंग प्रॉपर्टी जो है ये डिपेंड करती है नेसेंट ऑक्सीजन पे। तो कलर्ड मेटल प्लस नेसेंट ऑक्सीजन हो जाता है कलरलेस मेटल। The bleaching action is permanent. The delicate articles should not be bleached with chlorine. Now, chlorine displaces bromine and iodine from bromides and iodide respectively. अब KBr और Ki से क्लोरीन बारी बारी से रिएक्शन करके यहाँ से डिस्प्लेस कर देता है ब्रोमीन और आयोडीन को, KCl बना लेता है और Br2I2 अलग हो जाता है। फेरस क्लोराइड फेरस सल्फेट कंटेनिंग डाइल्यूट H2SO4 इज कन्वर्टेड टू फेरिक क्लोराइड एंड फेरिक सल्फेट। फेरस क्लोराइड क्लोरीन से रिएक्शन करके फेरिक क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह फेरस सल्फेट सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में क्लोरीन से रिएक्शन करके फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये दोनों रिएक्शन है। नाउ मॉइस्ट सल्फर डाइऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज टू H2SO4। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन। सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद क्लोरीन। मॉइस्ट मीन्स मॉइस्चर होगा इसमें जो वाटर, और ये बनाता है H2SO4 और HCl। इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। सल्फाइड्स आर ऑक्सीडाइज टू सल्फेट। सोडियम सल्फाइड रिएक्ट्स विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर टू इट इज कन्वर्टेड इन टू sodium sulfate and HCl. Thiosulfate is converted to bisulfate. Thiosulfate है sodium thiosulfate chlorine से reaction करके sodium bisulfate में बदल जाता है NaHSO4 plus 8HCl. Sometimes sulfur is also precipitated. Sulfur thiosulfate का reaction chlorine और water के presence में होता है तो क्या बन जाता है, सल्फर भी प्रेसिपिटेट हो जाती है, अलग हो जाती है, साथ में सोडियम सल्फेट और HCl बनता है। उसके अलावा थायोसल्फेट इज कन्वर्टेड टू बाईसल्फेट, वही रिएक्शन है दोनों ये। मॉइस्ट आयोडीन इज ऑक्सीडाइज टू आयोडिक एसिड। मॉइस्ट ऑक्सीजन मीन्स H2O प्रेजेंट होगा यहाँ पे वाटर, क्लोरीन से रिएक्शन करके ये हाई आयोडिक एसिड बनाता है 2HIO3 प्लस 10HCl। H2S इज ऑक्सीडाइज टू सल्फर। H2S क्लोरीन से रिएक्शन करके सल्फर में ऑक्सीडाइज हो जाती है। ये तो ये सारे रिएक्शन जो अभी तुमने देखा 4-5 ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नाउ एक्शन ऑफ एल्कलीज। Chlorine when passed into cold dilute solution of alkalis, chlorine forms chlorides and hypochlorites. Sodium chlorides में जब chlorine
पास की जाती है, तो ये कॉमन साल्ट NaCl प्लस सोडियम हाइपोक्लोराइट प्लस H2O बनाती है। KOH में पास की जाती है तो पोटेशियम हाइपोक्लोराइट KClH2O बनता है। कोल्ड एंड डाइल्यूट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करके क्लोरीन कैल्शियम हाइपोक्लोराइड CaClO2 होल ट्वाइस बनाती है और कैल्शियम क्लोराइड और वाटर बनता है। विद हॉट कंसंट्रेटेड एल्कली सॉल्यूशन क्लोरेट्स आर फॉर्म, दिस इज आल्सो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन। विद हॉट कंसंट्रेटेड एल्कली सॉल्यूशंस क्लोरेट्स आर फॉर्म। हॉट एंड कंसंट्रेटेड NaOH रिएक्ट्स विद Cl2 टू फॉर्म Na यानी सोडियम क्लोरेट NaClO3 एंड NaCl+3H2O। इसी तरह से हॉट एंड कंसंट्रेटेड KOH रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू फॉर्म KCl एंड पोटेशियम क्लोरेट N3H2O। हॉट एंड कंसंट्रेटेड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू फॉर्म कैल्शियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोरेट N2O। हाउएवर व्हेन क्लोरीन इज पास्ड ओवर ड्राई शेक लाइम ब्लीचिंग पाउडर इज ऑब्टेन्ड। कैल्शियम लाइम स्लेक लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन गैस पास करके हम ब्लीचिंग पाउडर ऑब्टेन करते हैं जिसका फार्मूला होता है CaOCl2H2O। दिस इज इम्पॉर्टेंट रिएक्शन। हाउ टू ऑब्टेन ब्लीचिंग पाउडर फ्रॉम क्लोरीन। नाउ एडिशन रिएक्शन। क्लोरीन फॉर्म्स एडिशन कंपाउंड्स विद सल्फर डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू फॉर्म सल्फ्यूरिल क्लोराइड एंड इट रिएक्ट्स विद कार्बन मोनोऑक्साइड टू फॉर्म कार्बोनिल क्लोराइड दैट इज नोन एज फॉस्जीन गैस। फॉस्जीन इज ए हाईली पॉइजनस गैस। इट रिएक्ट्स विद एथिलीन। फॉस्जीन इज ए हाईली पॉइजनस गैस। नाउ क्लोरीन रिएक्ट्स विद एथिलीन टू फॉर्म एथिलीन क्लोराइड C2H4Cl2। तो ये सारे रिएक्शन जो क्लोरीन के पढ़े अभी, वो सारे इम्पोर्टेंट रिएक्शन हैं एग्जामिनेशन के पॉइंट्स हैं, जिनको लिख करके इनकी प्रैक्टिस करना। नाउ यूजेस ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन इज वाइडली यूज फॉर मेकिंग क्लोरो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ए वेराइटी ऑफ इनऑर्गेनिक केमिकल्स एंड एज ए ब्लीचिंग एजेंट। फर्स्ट टू मेन ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस बाई यूजिंग क्लोरीन आर 1,2-dichloroethane एंड विनाइल क्लोराइड। बोथ आर यूज इन द प्लास्टिक इंडस्ट्री। अदर इम्पॉर्टेंट क्लोरो ऑर्गेनिक कंपाउंड मैनुफैक्चर्ड आर क्लोरोफॉर्म कार्बन टेट्राक्लोराइड बेंजीन हेक्साक्लोराइड क्लोरीनेटेड सॉल्वेंट्स इंक्लूडिंग मेथिल एंड एथिल क्लोराइड क्लोरीनेटेड फिनॉल्स पॉइजनस गैसेस सच एज फॉस्जीन टीयर गैस CCl3.NH2। अब टीयर गैस का फार्मूला होता है CCl3.NO2 एंड मस्टर्ड गैस CLC2H4 SC2H4Cl एक्सेट्रा। द इम्पॉर्टेंट इनऑर्गेनिक केमिकल प्रोड्यूस बाई यूजिंग क्लोरीन आर ब्लीचिंग पाउडर सोडियम हाइपोक्लोराइड सोडियम क्लोरेट क्लोरीन डाइऑक्साइड दैट इज CLO2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड मेनी मेटल एंड नॉन मेटल क्लोराइड्स। नाउ क्लोरीन इज यूज्ड एज ए ब्लीचिंग एजेंट फॉर द कॉटन फैब्रिक्स पेपर एंड रेयन। क्लोरीन इज यूज्ड इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर because it kills bacteria. Chlorine is used as an oxidizing agent and as germicide and disinfectant. Chlorine and the chlorine is used in the extraction of gold and platinum. तो इसका ये देखा था रिएक्शन क्लोरीन का कि क्लोरीन किस तरह से अलग हो जाती है, प्लेटिनम और गोल्ड हमें मिल जाता है। तो ये पूरा का पूरा तुम्हारा टॉपिक था क्लोरीन के बारे में, क्लोरीन का अपरेंस प्रेपरेशन प्रॉपर्टीज और उसका यूज, उसके सारे जो केमिकल रिएक्शन बताए वो सारे इम्पोर्टेंट थे।
उसको ध्यान से पढ़ना और उसकी प्रैक्टिस करना।